पता नहीं आशीष ने पारो को किडनैप किया या नहीं, कोई अपडेट भी नहीं है उसकी तरफ से। मैं ही फोन करती हूँ उसे। मैं भी अभी आती हूँ। किरण अब तुम बताओ, कुछ तो हुआ है ना, इतनी देर से परेशान हो तुम? ऑल वेल ना? होनू, माँ मुझे फंसवा देंगी। सीरियसली कई बार तो लगता है कि मुझे किसी और से नहीं बल्कि अपनी माँ से ही खतरा है, और अभी ये मेरा सारा प्लान चौपट कर देंगी। मलिष्का क्या हुआ, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ हमारे साथ चाय पियो। नहीं नहीं मासी, एक्चुअली मुझे जरूरी काम है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में आती हूँ। किरण क्या बात है, बताओ हमें, क्यों इतनी परेशान हो तुम? कुछ भी नहीं नीलम, सीरियसली कुछ भी नहीं है। नहीं किरण जी, कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है, बताइए ना हमें क्या बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मलिष्का को लेकर टेंशन में। तुम्हें कैसे पता? किरण इसमें ना पता होने वाली कौन सी बात है, बात तो साफ है ना, तुम एक माँ हो तो अपनी बेटी के लिए तो परेशान होगी, स्पेशली जब वो लक्ष्मी इस घर में, तो उसे देखकर तो तुम्हें अपनी बेटी के फ्यूचर की चिंता होगी ही ना। आई अंडरस्टैंड। और भाभी मैं कब से किरण को देख रही हूँ, जब हम मंदिर में सेवा कर रहे थे ना, ये कंटिन्यूसली मलिष्का की तरफ देख रही, बहुत परेशान लग रही थी। आफ्टर ऑल देखो तो माँ हो तो अपनी बेटी के लिए परेशानी चिंता ये सब तो नेचुरल है ना। किरण तुम परेशान मत हो, हम हैं ना, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देते। तुम चिंता मत करो, मलिष्का कुछ नहीं खोएगी। मॉम ये प्रसाद कहाँ रखना है? डाइनिंग टेबल पर रखवा जी। अनुष्का वो प्रसाद को बॉक्सेस में पैक करवा के एम्प्लॉयज तक पहुंचवा देना, माता रानी के मंदिर का प्रसाद है, जितने ज्यादा लोगों को मिलेगा उतना अच्छा है। जी मामी। ये लीजिए। पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है, क्यों लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। सच में पारो की बहुत चिंता हो रही है। लक्ष्मी उधर गिलास। मैडम जी, मैडम जी। राम राम राम, क्या हुआ? तुम्हारी हालत कैसे हो गई? क्या हुआ राम? क्या हुआ राम? राम क्या हुआ? राम बोलो, क्या हुआ? पारो बताइए राम, हुआ क्या है, बात क्या है? राम बोलो। कुछ बोलेगा तू? पारो कहाँ है? राम बोलना, सब ठीक है ना? किडनैप हो गई। कौन किडनैप हो गई? पारो किडनैप हो गई।